Hello friends. Myself, Mayank Srivastava from Ambalika Institute of, Mechanical, uh, Ambalika Institute of uh, Management and Technology from Mechanical Engineering Department and uh, my college is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University स्टूडेंट्स uh, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछला टॉपिक आपका छोड़ के मतलब आपका टॉपिक जो कवरअप नहीं हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका फेस डायग्राम था हमने उस लेक्चर में आपको बताया कि फ़ेस डायग्राम क्यों जरूरी होता है एक इंजीनियर्स के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कैसे इनबिल्ड करना होता है तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं आपके जो हमने वहाँ पर आपका कवर अप करा था एक्चुअली फ़ेस डायग्राम में बेसिक टर्मोलॉजीज़ जो होती हैं वो यही होता है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए आपको टेम्परेचर का स्ट्रक्चर बी है कि एफ है फेस क्यूबिक सेंटर है कि बॉडी क्यूबिक सेंटर है ये आपको पता होना चाहिए और किस उसमें मटेरियल मेल्ट होगा किस उसमें जा के डिफॉर्म होगा तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है फेस डायग्राम तो ये हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था आपसे उसके बाद फिर हमने आपको बताया था सिस्टम क्या होता है तो सिस्टम होता क्या चीज़ है कि कोई भी फेस या कोई भी आपका कंपोनेंट जब भी बनता है जैसे बाइनरी फेस डायग्राम की बात करें तो कंपोजिशन होगा कंपोजिशन मतलब एक से ज़्यादा पार्ट उसमें मिक्स होंगे तो जब एक से ज़्यादा पार्ट उसमें मिक्स होंगे तो जो कंपोजिशन होगा उसका अगर ब्रीफ में आपको समझना है तो उसके लिए आपको फेस डायग्राम पढ़ना ज़रूरी होता है तो उस केस में आपको हमने आपको बताया था सिस्टम क्या होता है तो सिस्टम हमेशा आइसोलेटेड होता है आइसोलेटेड मतलब बाहर से सराउंडिंग उसमें कोई भी इम्पैक्ट ना डाल पाए अनएफेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग इज नोन एज अ सिस्टम तो वही चीज़ यहाँ पर आगे उसी टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं फिर बात आती है प्रॉपर्टीज की तो प्रॉपर्टीज क्या होती है द क्वान्टिटीज दैट गवर्न द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर नोन एज अ प्रॉपर्टीज मतलब कि वो क्वालिटी जिसके कारण स्टेट को जो चीज़ गवर्न करे वही उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है मतलब स्टेट मीन्स कब चेंज होना है कब जैसे आपको स्टेट भी बताया था स्टेट मतलब उसकी फिजिकल एंटिटी कि कब उसको चेंज करना है तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कौन कौन से किस टाइप्स के होते हैं आपके तो वो बेसिकली दो पार्ट्स में प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करा गया दैट इज़ आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ अब बताती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है मास मास इंडिपेंडेंट होता है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपकी मास इंडिपेंडेंट होती है मास इंडिपेंडेंट्स का मतलब जैसे फिजिकल uh, एंटिटी के ऊपर वो डिपेंडेंस नहीं होती है तो द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर टेम्परेचर वेलोसिटी इज नोन एज अज मास इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमेशा मास इंडिपेंडेंट होती है प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है हमने बताया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक मास इंडिपेंडेंट होती है और एक क्या होती है मास डिपेंडेंट होती है तो इंडि, इंडिपेंडेंट में प्रेशर टेम्परेचर और वेलोसिटी आ गया और एक्सटेंसिव प्रोसेस क्या होता है ये होता है आपका जैसे वो वो वॉल्यूम हो गया डेंसिटी हो गई एंथेल्पी हो गई एंट्रोपी हो गई ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं वो मास डिपेंडेंट होती हैं जो कि मास अगर वेरी करेगा तो ये चार, ये सारी चीज़ें आपके वेरी हो जाएंगे तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टेट को गवर्न करती हैं अगर मास इंडिपेंडेंट होगा मतलब कि जैसे प्रेशर टेम्परेचर और वेलासिटी तो क्या होगा मास के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है कितना मास है उससे कोई मतलब नहीं है आपका ये चेंज हो सकता है लेकिन अगर इसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उस केस में क्या होता है जैसे आपका वॉल्यूम हो गया डेंसिटी हो गया एंथेल्पी हो गया एंट्रोपी हो गई तो इनके ऊपर क्या होता है मास डिपेंड होता है अगर मास चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा या वाइस वर्सा भी आप कह सकते हैं अगर आपकी ये प्रॉपर्टीज आप चेंज करेंगे तो वो मास को इम्पैक्ट करेगा तो ये सारी चीज़ें आपका कवर अप होता है प्रॉपर्टीज़ में ये भी आपकी टर्मोलॉजीज़ है जो यूज करते हैं फेस आयरन आयरन कार्बन डायग्राम या फेस डायग्राम में आपका इसका यूज होता है फिर नेक्स्ट होता है कंपोनेंट ये भी इंपॉर्टेंट टर्म होता है जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि तीन चीज़ें होती हैं एक टम्परेचर एक प्रेशर और एक कंपोजिशन अब कंपोजिशन ही आपका कंपोनेंट होता है मतलब सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है कि डबल कंपोनेंट सिस्टम है मतलब टू कंपोनेंट सिस्टम है या थ्री कंपोनेंट सिस्टम है या फोर कंपोनेंट सिस्टम है ये चीज़ डिपेंड करती है फेस डाइग्राम के ऊपर कि कौन सा फेस डाइग्राम है कौन सा कंपोजिशन आप यूज कर रहे हैं अगर सिंगल है तो इसका मतलब एक मटेरियल आप यूज कर रहे हैं अगर एक मटेरियल पे आपने पूरी एनालाइज़ करी मतलब आपने उसको मेल्ट करा या उसका टेम्परेचर राइज़ करा सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में गया फिर टेम्परेचर राइज करा वो गैसियस फॉर्म में गया तो अगर एक कंपोनेंट है तो उसको सिंगल कंपोनेंट सिस्टम बोला जाएगा किसी एक मटेरियल के पे ऊपर आप अगर एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो फेस डायग्राम निकल के आता है और उसको जब आप पढ़ते हैं तो जो चीज़ें समझ में आती वो देखा गया कि आपको सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पता चला लेकिन सिंगल कंपोनेंट सिस्टम से एज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर या मटेरियल इंजीनियर जो रिसर्चर होते हैं उनका काम नहीं चलता है क्यों क्योंकि हर मटेरियल के अंदर वो पूरी फुलफिलमेंट क्वालिटीज़ नहीं होती हैं जो किसी भी मटेरियल को चाहिए होता है उसको डिजायर्ड uh, प्रेस पर कॉपी करने के लिए या डिजायर्ड प्रेस पर यूज करने के लिए तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं अगर कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको इन्ेंस करना है किसी एक मटेरियल में तो सारी क्वालिटीज़ होंगी नहीं अगर उसमें कुछ इन्हेंस करना है जैसे कास्ट आयरन का ही एग्जांपल लेते हैं अब आप आ, कास्ट आयरन में क्या करते हैं कार्बन मिलाते हैं आप कार्बन मिला के उसको स्टील बना लेते हैं और कार्बन मिलाते हैं तो और अच्छा स्टील बनता है या टेम्परेचर राइज करते हैं और इसी स्टील को आप गलत अलग अलग जगह पर यूज करते हैं जैसे कहीं पर कटिंग टूल्स के लिए यूज़ हो गया क्योंकि हार्ड हो गया काफ़ी या कहीं यूटेंसिल्स के लिए यूज हो गया या कहीं पर आपका कोई एक्सटीरियर बॉडी किसी भी कंपोनेंट्स की बनानी है वहाँ पर आपने यूज कर लिया तो ये सारी चीज़ें अगर इनबिल्ड करना है तो उसके लिए आपको एक फेस डायग्राम नहीं दो फेस डायग्राम की जानकारी होनी चाहिए या टू कंपोनेंट सिस्टम मिक्स करना पड़ेगा तो जब दो कंपोनेंट मिक्स करेंगे तो उसे ही क्या कहते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम वही चीज़ है इसमें डिनोट है कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम मे बी टू और मोर अगर कंपोनेंट सिस्टम जो है वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं सिंगल होगा तो वन कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा अब दो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाया गया कि पी और एस एन और ए जी SI और एलमुनियम ये क्या है टू कम्पोनेंट सिस्टम है क्योंकि आप देखो ये दो एलॉय हैं अगर कोई भी चीज़ आपस में मिलती है तो उन्हें एलॉय कहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे कि एलॉय क्या होता है एलॉय कैसे बनता है बेस मेटल उसमें कितना होता है एलॉइंग एलिमेंट कितना होता है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे लेकिन जब भी कोई भी एक कंपोनेंट या एक मेटल में कोई दूसरा मेटल एड कर देते हैं तो उसको आप एलॉय बोलने लगते हैं अब जैसे ये पी और एस है दो कंपोनेंट सेम उसी तरह ए और ए है दो कंपोनेंट सेम इसी तरह आपका क्या है एस SI आई और एलूनियम है ये भी दो कंपोनेंट है अब जब ये दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे और मिक्स करने के बाद इसका फेस डायग्राम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि टू कंपोनेंट या बाइनरी फेस डायग्राम में उसका क्या इम्पैक्ट आता है तो इसीलिए इस इंपॉर्टेंट uh, है ये टू कंपोनेंट सिस्टम बोला जाता है सिंगल कंपोनेंट फिट टू कंपोनेंट लेकिन अब देखा गया एज ए रिसर्चर कि यार अभी भी मेरी सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फॉलोअप नहीं हो पा रही या जो हमको डिजायर रिजल्ट चाहिए किसी भी मटेरियल से जो हमको डिजायरनेस है वो ये मटेरियल फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था अकेला नहीं फुलफिल कर पाया दो यूज करा तब भी आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ को वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तब आप क्या करोगे आपको जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए उससे ही रिलेटेड उसमें फिर से मिक्स करोगे अब मिक्स करने के लिए आपको हमने पहले भी बताया पता होना चाहिए कि कौन सा मिक्स हो पाएगा कौन से दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे जब तक दो की बात थी तो तब तक तो चलो ठीक है फिर भी आपके लिए सही था लेकिन जब ये तीन में चेंज हो गया अब आपको तीनों की क्वालिटीज़ आपस में मैच होनी चाहिए भाई एज अ फ्रेंड आप देखो आप आपका फ्रेंडशिप किससे होता है अगर एज ए स्टूडेंट आप देखो आपका फ्रेंडशिप उसी से, से होगा जिससे आपकी क्वालिटी मैच होती है तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है भाई अगर कंपोनेंट को आपस में मैच कराना है या मिक्सअप करना है तो बेसिक क्वालिटीज़ सेम होनी चाहिए अब जब तीन कंपोनेंट क्यों लिया गया क्योंकि आपको ज़्यादा डिजायरनेस है उससे ज़्यादा वर्क लेना है मटेरियल से तो मकैनिकल प्रॉपर्टीज इन्हेंस करनी है ज़्यादा तो उसके लिए आपने क्या करा तीन कंपोनेंट लिया अब तीन कंपोनेंट में यहाँ पर कॉपर लिया गया निकिल लिया गया और जिंक लिया गया इसको ही आप जर्मन सिल्वर भी बोलते हैं और इसी को देखो जो हमने आपको पहले बताया गया एन एलॉय बोला गया ये क्या है जब आपके कंपोनेंट मिक्स हो गए तो इन्हीं को आपने क्या बोला एलॉय एलॉय हमेशा मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स होता है एक होता है बेस मेटल बेस मेटल क्या होता है बेस मेटल वो होगा जिसमें एट्टी परसेंट एलॉय की क्वालिटीज़ होगी मतलब जो ओरिजिनल मेटल होगा जिसमें आपको मिक्स करना है वो आपके पास एट्टी परसेंट अप्रॉक्स होना चाहिए और जो चीज़ इन्हेंस करने के लिए क्वालिटी को बिल्डअप करने के लिए जो चीज़ आप उसमें मिला रहे हैं वो आपके अप्रॉक्स ट्वेंटी परसेंट होना चाहिए तभी आपका मेटल एक अच्छा एलो एलिमेंट या एलोइंग एलिमेंट कहलाता है तो उसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया ए जी ए यू और पी टी का आर थ्री कम्पोनेंट सिस्टम अब ये क्या है तीन कंपोनेंट सिस्टम है तीन कंपोनेंट क्योंकि तीन मेटल लिए गए ठीक है अब देखा गया कि अभी भी हमारी चीज़ें फुलफ़िल मान लीजिए नहीं हो पा रही हैं तो उस केस में क्या करा गया चार कंपोनेंट लिया गया अब जितने ज़्यादा आप कंपोनेंट लेते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको एनालिसिस आपकी बढ़ती चली जाएगी एनालिसिस किस चीज़ में बढ़ती चली जाएगी आपको सबके मेल्टिंग पॉइंट पता होने चाहिए आपको सबके माइक्रोस्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि कौन सा एफ है कौन सा बी है कौन सा एस है तो ये सारी चीज़ें कौन सा सिंपल क्यूबिक है तो ये सारे स्ट्रक्चर जब आपको पता होंगे तभी तो आप मिक्स कर पाओगे तो उसके लिए क्या होता है फोर मेटल अब जैसे चार मेटल है अब चार मेटल क्यों यूज करा जा रहा है क्योंकि इन्ेंस करना है क्वालिटीज़ तीन से नहीं काम चला फोर कंपोनेंट जोड़ दो अब जैसे ही फोर कंपोनेंट जोड़ोगे तो फिर से आपको फेस डायग्राम में सारे कंपोनेंट का वन बाई वन वन बाई वन पहले उसको सिंगल बना के देखोगे सिंगल फेस डायग्राम में देखोगे फिर बाइनरी में देखोगे फिर आपका टर्सरी में देखोगे तो इस तरह करते करते जब आप सारे एनालाइज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल का कहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है कौन सा मटेरियल कहाँ पर फेल हो रहा है कौन से मटेरियल आपस में किन के मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज हैं तो जो जो मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज होंगे या जिनके माइक्रोस्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होंगे तो आपको ऐड करने में आसान होगा तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया एक एग्जाम्पल दिया गया डूरेलीम का ये क्या है एलॉय है किसका है एलमोनियम का अब एलमुनियम के साथ साथ अब डूरेलीम आप देखो बहुत जा, बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ क्यों यूज करते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ काफ़ी इंप्रूव होती है लाइट इन वेट होता है डक्टिलिटी होती है इसमें अब जैसे आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें करी गई एलमुनियम जोड़ा गया एलमोनियम में कॉपर अब एल्मोनियम आपका एज अ बेस मेटल हो गया जो हमने आपको बताया कि बेस मेटल 80 परसेंट होना चाहिए तो एलमोनियम इस जगह पे बेस मेटल होगा क्यों क्योंकि ये एलॉय है एलमोनियम का अब एलमोनियम के साथ साथ आपने कॉपर जोड़ा मैग्नीशियम जोड़ा एम जोड़ा तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ रहे हैं तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया फोर कम्पोनेंट सिस्टम का चार कम्पोनेंट सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल आपका ड्यूरेम है क्योंकि ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है यहाँ पर ठीक है फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजीज होती है जिसे आप कहते हैं हैंब्रियम अब इक्ूलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जो आपका फ्री एनर्जी जहाँ पर फ्री एनर्जी कम से कम जनरेट हो वो आपकी इक्विल्रियम स्टेट होती है मतलब आपने टम्परेचर दिया चेंजेस शुरू हुआ फिर एक ऐसा फ़ेस आएगा एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगा जहाँ पर फ्री एनर्जी मोशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं फ्री एनर्जी या मिनिमम फ्री एनर्जी पजेज करेगा सिस्टम सिस्टम क्यों बोला जा रहा है क्योंकि आपका एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार तीन तीन चार चार कंपोनेंट आप जब मिला रहे हैं और सारा काम आपका एक आइसोलेटेड उसमें हो रहा है बाहर से सराउंडिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में हुआ और स्टेट के अंदर अगर कोई ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पर मिनिमम फ्री एनर्जी पजेज होगी सिस्टम में जो भी सिस्टम होगा उसमें मिनिमम फ्री एनर्जी पजेज होगी या डिफॉर्मेशन बिल्कुल मिनिमम होगा या स्टेशनरी हो जाएगा सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन उसे बोला जाता है किसी भी सिस्टम की या किसी भी स्टेट की वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम द एट एनी कंडीशन एट एनी स्पेसिफाइड ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफाइड कंडीशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेसिफाइड कंडीशन क्या हो सकती है कोई एक कांस्टेंट या कोई एक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे आपको ये एकम कंडीशन मिलेगी या कोई एक डेफिनेट प्रेशर होगा तो उस केस में यहाँ पर जो स्पेसिफाइड कंडीशन कही गई इसका यही मोटिव है कि आपका एक डेफिनेट चीज़ होगी चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो तो उसी डेफिनेट स्टेट पे जब आ, आपका मिक्सचर या जब आपका कंपोनेंट आ जाएगा तो उसे आप इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट एनी स्पेसिफाइड कंडीशन वेन द सिस्टम पर्ज मिनिमम फ्री एनर्जी मतलब वो स्टेट जहाँ पर सिस्टम मिनिमम फ्री एनर्जी पजस करे मिनिमम डिफॉर्मेशन हो सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो जाए तो वो केस आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है ठीक है नेक्स्ट क्या है द स्पेसिफाइड कंडीशन में भी टेम्परेचर अब स्पेसिफाइड कंडीशन जो क्या हो सकता है वो एक डेफिट uh, टेम्परेचर हो सकता है वो एक डेफिनेट प्रेशर हो सकता है कि हाँ इस प्रेशर पे जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है या इस टेम्परेचर पे इस मटेरियल का कंपोजिशन या दो चार मटेरियल जो आपने उसमें ऐड करे उसका कंपोजिशन देखा गया तो देखा कि यार इस टेम्परेचर पर वो इक्विलिब्रियम स्टेट को आ रहा है तो वो आपकी इक्वेरियम स्टेट कहलाती है अब या कंपोजिशन भी कह सकते हैं मतलब आपका सॉलिड लिक्विड फेस है या इंटरमीडिएट फेस है तो ये जो कंपोजिशन है ये भी अपने में डिफाइन करता है कि हाँ अब इस कंपोजिशन या इस मिक्सचर पे आपके इक्विलिब्रियम फेस या इक्विलिब्रियम फेस पे मटेरियल आ रहा है तो कौन सी तीन चीज़ें हो गई टेम्परेचर एक डेफिनेट टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे आए एक डेफिनेट प्रेशर हो सकता है या कोई भी कंपोजिशन हो सकता है मटेरियल का या इन तीनों का कम्बिनेसन भी हो सकता है तो वो आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है टू और मोर फेस कैन एग्जिट इन इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल टू और मोर मटेरियल सिस्टम मतलब दो या दो से ज़्यादा फेस इक्विलियरियम में हो सकते हैं कब या तो सिंगल मटेरियल होगा या दो से दो मटेरियल होंगे या दो से ज़्यादा मटेरियल होंगे तो उस केस में भी ये कंडीशन इक्विलियम को फॉलो करता है तो इक्विलियम की कंडीशन में बेसिकली तीन चीज़ें आईं टेम्परेचर हो गया प्रेशर हो गया और कंपोजिशन हो गया और ये तीनों चीज़ें एक डेफिनेट होनी चाहिए एक डेफिनेट स्टेट पे होनी चाहिए जहाँ पर आपका फ्री एनर्जी पजेस्ट करे तो वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है ठीक है तो ये थी आपकी बेसिक टर्मोलॉजीज़ अब आते हैं फेस पे फेस क्या होता है फिजिकली एंड केमिकली होमोजीनियस कंपोजिशन ऑफ अ सबस्टेंसेस मेन मोटिव क्या होता है फेस अगर आप डिफाइन करें तो फ़िजिकली और केमिकली होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए किसी भी मटेरियल का अगर दो मटेरियल आप मिला रहे हैं तो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए तो वही आपका जब मिक्सिंग होता है और एक होमोजीनियस मिलता है तो उसे आप कहते हैं फेज जैसे आपने एक आपको एग्जाम्पल दिया था मिल्क और वाटर का आपने दोनों दोनों के फेस क्या थे आपके दोनों के फेस आपके लिक्विड थे आपने दोनों को मिलाया लिक्विड ही फेस मिला तो वो क्या हुआ एक सिंगल फेस हो गया सिंगल फेस कहलाएगा और दोनों प्रॉपर में मिक्स होंगे किसमें होमोजीनियस फॉर्म में इसी तरह आपने शुगर मिलाया वाटर में मिलाया दोनों प्रॉपर मिक्स हो गए होमोजीनियस तो क्या हुआ वो अपना एक फ़ेस आया उसका तो उसे उसका स्टेट जो भी उसकी स्टेट होगी वही उसकी प्रेजेंट फेस कहलाएगी अ सिस्टम मे बी मे मे बी मेड अप ऑफ वन और टू मोर फेसेस अब कोई भी सिस्टम है अगर तो वो एक या दो से दो या दो से ज़्यादा भी फेसेस को अपने अंदर ले सकती है फिर क्या है सेवरल फेसेस में कंसिस्ट ऑफ अ सबस्टेंसेस कई फेसेस जो होते हैं जितने भी फेस होंगे वो कई सारे सबस्टेंस से मिल के बनते हैं और उसके बाद क्या है अस फेस चेंज इज़ कम कम्पेंड विथ चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जैसे जैसे फेस आपके चेंज होंगे वैसे वैसे मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएगी यही तो एज ए इंजीनियर आपको चाहिए कि आप अपने डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को गेन कर सकें उसके फेस के अकॉर्डिंग जब वो लिक्विड फेस में होगा तो उसकी जो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है आपको अगर कहीं यूज करना है आप आसानी से यूज कर सकते हो ये अगर आप देखा जाए फेस डायग्राम के ही थ्रू एक इंजीनियर्स जो होता है वो 100 परसेंट सक्सीड पा पा सकता है मटेरियल के ऊपर मतलब आप सोचो जो भी मटेरियल आपको मिला है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो उसमें एलॉय मिला दो उसमें कुछ और मटेरियल मिला दो उसमें टेम्परेचर रेज कर दो तो ये सारी चीज़ें जो आप वन बाई वन करते हो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पाने के लिए तो वही चीज़ का है कि हर फेस जैसे आपने थोड़ा सा कार्बन मिलाया आयरन में कहीं फेस चेंज हुआ फिर और मिलाया फेस चेंज हुआ अब हर फेस पे आप अपनी टेस्टिंग करते जाओगे वन बाय वन और हर फेस पे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते जाओगे क्यों क्योंकि मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ ही मेन रिजल्ट है जो कि हमको पाना है मटेरियल से क्योंकि मटेरियल को आप कहीं ना कहीं यूज करोगे और यूज करोगे डिजायरनेस के अकॉर्डिंग डिजायरनेस किस चीज़ की होगी मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ की कहीं डक्टिलिटी ज़्यादा चाहिए होगा कहीं पर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होगा कहीं पर आपको इलास्टिसिटी चाहिए होगा तो ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपका फ़ेस के ऊपर ठीक है तो ये पूरा आपका वन बाय वन हमने आपका डिस्कस करा फेस टेक्नोलॉजीज़ में बेसिक क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फिर बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मटेरियल या एक्सिस के केस में बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है अब इसकी बात करें इसको हमने क्या करा इस टेबल पे मान लीजिए इस पर रख दिया ये टेबल है इस पर रख दिया तो अब इसकी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम क्या होगी अब ये क्या है रजिस्ट हो गया नीचे नहीं मूव कर सकता है मतलब वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव जा सकता है लेकिन निगेटिव नहीं जा सकता है तो ये क्या हो गया कंस्टेंट हो गया मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके मोशन को हमने कंस्टेंट कर दिया अब ये आपका एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है पॉजिटिवली एंड निगेटिवली वाई एक्सिस में केवल पॉजिटिव मूव कर सकता है और क्या और क्या हो सकता है ये अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट भी कर सकता है इस तरह से आपका अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करा सकते हैं चाहे वो अपने एक्सिस के लॉन्ग और या तो फिर आप इसको ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं तो ये क्या है इसकी जितने जितने डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है वो इसकी नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो गई लेकिन अगर इसको कंस्टेंट कर दे रहे हैं तो कंस्टेंट कर रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता इसका मतलब ये लिमिट हो गया कंस्टेंट हो गया ये वाई डायरेक्शन में निगेटिविटी में नहीं जा सकता है सेम उसी तरह जब आप मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं और जब दो कंपोजिशन या तीन कंपोजिशन आपस में मिलाते हैं और उसके बाद जब उसमें देखते हैं तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम का इंपॉर्टेंट रोल होता है जितने मटेरियल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम होगा उतना ही ज़्यादा आपका मटेरियल प्रॉपरली मिक्स होने के पॉसिबिलिटीज़ में रहेगा वही चीज़ इसमें आगे एलिब्रेट करा गया है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड डिग्री ऑफ़ फ्रीडम जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक स्टेट की बताई जाएगी स्टेट मतलब जो आपका सॉलिड में है या लिक्विड में हर हर फेज पे सॉलिड में लिक्विड में गैसेस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी चेंज होती जाएगी तो टेम्परेचर प्रेशर एंड द कंपोजिशन ऑफ अ फेस कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल सिस्टम फिर से वही चीज़ टेम्परेचर प्रेशर और कंपोजिशन ऑफ फ़ेस कोई भी मटेरियल में जो भी टेम्परेचर दे रहे हैं या जो भी आप प्रेशर दे रहे हैं या उनका जो भी कंपोजिशन है वही चेंज करता है उसका या वही कंट्रोल करता है उसका मटेरियल के मिक्सिंग की प्रॉपर्टीज़ को तो वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है फिर क्या है दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ईच वन इज रिफर्ड एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जितने भी मटेरियल हैं उसके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इंडिपेंडेंट मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ये मूव करेगा तभी हम मूव करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है कोई कंस्टेंट नहीं है जो भी मटेरियल के माइक्रोस्ट्रक्चर या एटम्स जब आप एज अ लिक्विड फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो उनके जितने भी वेरिएबल्स होंगे इंडिपेंडेंट होने चाहिए और जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा ठीक है तो ये पूरा टर्मोलॉजीज थी बेसिकली जैसे स्टेट हो गया प्रॉपर्टीज हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया तो ये बेसिक टर्मोलॉजीज है अगर आपको फेस डायग्राम पढ़ना है तो ये बेसिक टर्मोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए थी ठीक है आगे डिस्कस करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है एल एलॉय क्या होता है कि कोई भी मटेरियल अकेला सारा काम नहीं कर सकता है सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को गेन नहीं कर सकता है तो सारे स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को गेन करने के लिए आप क्या करते हैं एलॉय यूज करते हैं अब एलॉय क्या होता है एलॉय क्या होता है बेस मटेरियल और एलॉइंग एलिमेंट दोनों को जब आप कंबाइंड करते हैं तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है अब बेस मटेरियल क्या होता है बेस मटेरियल उसे कहते हैं जो कि मेन मटेरियल होगा जिस चीज़ का आपको एलॉय चाहिए जैसे अल्मोनियम को एलाय चाहिए तो एलमुनियम उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होगा वो मेन मटेरियल होगा और एलमोनियम आपका 80 परसेंट होना चाहिए ये हमने आपको पहले भी बताया अभी आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्यों क्योंकि जो बेस मेटल होता है उसकी ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होगी अब उसमें आपको कुछ और क्वालिटीज़ चाहिए तो जिस मटेरियल की क्वालिटी चाहिए वो एज ए अलॉइंग एलिमेंट आप इसमें ऐड करेंगे एज ए अलॉइंग एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं तो वही आपका एलॉय कहलाता है क्या है कि एन एलॉय इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स कम्बाइंड विथ वन और मोर अदर एलिमेंट मतलब एलॉय क्या होता है कम्बिनेशन ऑफ मेटल होता है कोई भी दो मेटल को ऐड करो तो भी एलॉय कहलाएगा तीन को ऐड करो तब भी एलॉय कहलाएगा क्यों ऐड करना है क्योंकि एज अ मटेरियल अगर देखा जाए तो एक मटेरियल पूरी फुलफिलनेस नहीं कर सकता है तो उन प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए आप इसमें मटेरियल मिलाते हैं दूसरा मटेरियल और वही आपका फिर जब मिलाते हैं तो उसको आप एलॉय एलिमेंट कहते हैं अब एग्जांपल में इसमें दिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल कंबाइनिंग द मेटेलिक एलिमेंट गोल्ड एंड कॉपर प्रोड्यूसेस रेड गोल्ड अब अगर आप कंबाइन करते हैं गोल्ड और कॉपर को तो रेड गोल्ड मिलता है तो रेड गोल्ड की क्या ज़रूरत पड़ी खाली गोल्ड क्यों नहीं यूज़ करा क्योंकि आप अगर कहीं पर भी जाते हैं ज्वेलरी के शॉप में भी जाते हैं तो अगर प्योर गोल्ड दे देगा वो तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी आप देखो उसको अगर दबाओगे तुरंत वो क्या होगा प्रॉपर्टीज चेंज करेगा डिफॉर्म हो जाएगा अब उसको एज अ मतलब यूज करने के लिए अब उसकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी तो उसमें क्या करेंगे आप कुछ ना कुछ एलोइंग एलिमेंट मिलाते हैं तो इसीलिए प्योर फॉर्म में सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं जिसके कारण आप एलोइंग एलिमेंट उसमें मिलाते हैं अब गोल्ड एंड सिल्वर बिकम्स वाइट गोल्ड अब गोल्ड और सिल्वर मिला दोगे तो व्हाइट गोल्ड हो जाएगा गोल्ड एंड कॉपर मिलाएंगे तो रेड गोल्ड और उसी में सिल्वर मिला देंगे आप तो वो व्हाइट गोल्ड हो जाएगा व्हाइट गोल्ड की जो जो प्रॉपर्टीज़ होगी ये उसको फॉलोअप करेगा ये उसके नॉर्म्स को फॉलो करेगा सिल्वर कंबाइंड विथ कॉपर प्रोड्यूसेज स्टर्लिंग गोल्ड बहुत चमकीला होता है स्टर्लिंग सिल्वर कहलाता है अगर सिल्वर ऐड कर देते हैं तो वो भी आपका प्रॉपर्टीज इन्हेंस करता है तो ये सारी चीज़ें आपके एलॉयज के बारे में हमने डिस्कस करा सॉलिड फेसेस इन एलॉय जो फेस होते हैं वो सॉलिड अगर अब इसमें सॉलिड फेस की बात करते हैं पहले भाई एलॉय मिलाया अभी तो शुरुआत में टेम्परेचर इतना राइज नहीं हुआ तो सॉलिड फेस में तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वन बाई वन उस पर डिस्कस करते हैं तो क्या होता है प्योर मेटल्स जनरली सफर्स फ्राम वन और अदर डिफिशेंसी इन देयर मैकेनिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज जो प्योर मेटल होता है उसकी अपनी अपनी डिफिशेंसी मतलब कमियाँ होती हैं आप अब कमियाँ क्या क्या होंगी वो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन लिए हुए नहीं होगा इंक्लूडेड नहीं होगा वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्योर जो आपको गोल्ड का एग्जांपल से भी हमने आपको समझाया कि प्योर मटेरियल्स जनरली सफर्स फ्रॉम वन और अदर टू डिफिशियंसीज देयर मैकेनिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और अदर प्रॉपर्टीज़ में डिफिशेंसीज होंगी दे आर देर फॉर नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग अप्लीकेशन जिसके कारण आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्योर मटेरियल्स का यूज नहीं करते हैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं जैसे आपको मान लो बोला जाए कास्ट आयरन से कटिंग कर है तो कास्ट आयरन से आप कटिंग कर पाएंगे नहीं क्यों क्योंकि आपका उसका आउटर सरफेस जो होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है एज अ कटिंग टूल क्या होना चाहिए आउटर सरफेस काफी हार्ड होनी चाहिए अब हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप उसमें कुछ ना कुछ आप कॉपर मिलाओगे कॉपर मिलाओगे स्टील बनेगा और मिलाओगे स्टेनलेस स्टील आएगा तो ये जो चीज़ें आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्योंकि आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें चाहिए तो वही चीज़ बताएगा कि एलॉय जब आप करते हैं यूज करते हैं तो रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देता है किसी भी प्रॉपर्टीज़ में सिंगल मटेरियल यूज करते हैं तो उतनी ज़्यादा इन्हेंस प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है लेकिन आप एलॉय मिला दिए तो रिमार्केबल मतलब जितना आपने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट वो देगा तो उस केस में आप एलॉय यूज करते हैं तो दीज मेटल्स इन देयर एलॉय फॉर्म सो रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ वाई वी फाइंड वाइडर यूज़ ऑफ एलॉय इसीलिए आप क्या करते हैं वाइडर यूज ऑफ एलॉय ज़्यादातर एलॉय यूज करते हैं जैसे अगर एलमोनियम लिया जाए एलमोनियम प्योर फॉर्म में लिया जाए तो उसका ज़्यादा यूज नहीं होता है क्यों क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है लाइट इन वेट होता है बहुत जल्दी वो बेंड हो जाएगा अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एलमोनियम का टूल बनाया यूज करा कटिंग में तो रन टूल ही ख़राब हो गया तो वो एज अ प्योर फॉर्म है तो उसको यूज नहीं करते आप देखिए एल्मियम एज अ प्योर फॉर्म बहुत कम जगह यूज होगा अगर एरोप्लेन की भी बात करा जाए तो उसकी लाइट एंड वेट क्वालिटीज़ तो अच्छी होती है एलमोनियम की लेकिन आप सोचो कि अल्मोनियम का ही बाहर का वो पूरा सरफेस डिजाइन कर दें तो इम्पॉसिबल है जब तक आप उसमें अलग से कोई एलॉय नहीं मिलाओगे कोई अलग से एलॉइंग एलिमेंट नहीं ऐड करते जब ऐड करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाएगी वही चीज़ है इसमें एन एनअलॉए एज एन एलमोनियम इज़ इट्स प्योर फॉर्म यूज वेरी रेयरली बट इट्स एलोए सच एज हिंडालियम डरेलीम आर वास्टली यूज लेकिन आप देखो एलमोनियम बहुत कम यूज होता है लेकिन हिंडालियम बहुत यूज होता है डूरेलीम बहुत यूज होता है क्यों क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन्हेंस कर देता है इम्प्रूव हो जाती है प्रॉपर्टी जब आप इसमें अलाइंग एलिमेंट को मिक्सअप करते हैं फिर बात आते हैं कि एलॉय बनता कैसे है एन एलॉय इज अ कम्पोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ विच एट लीस्ट वन एलिमेंट इज अ मेटल दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलाओगे तो एलॉय कहलाएगा लेकिन उसमें एक एटम सॉरी एक एक कंपोनेंट जो है वो मेटल ही होना चाहिए ये इसकी कंस्ट्रेंट है एलॉय अगर बनाना है आप सोचो दो नॉन मेटल मिला करके एलॉय बना लो तो नहीं बनेगा आपका एलॉय बनेगा तभी जब आपका एक मेटल जितने भी मेटल आप उसमें मिला रहे हैं उसमें एक एक मेटल जो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज को लिए हुए इंक्लूड किए होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है एनोलाइज एलाय इज कंसिस्ट ऑफ बेस मेटल एंड एलॉइंग एलिमेंट अब एलॉय जो होता है उसका बेस मेटल होता है और एलाइंग एलिमेंट होता है बेस मेटल क्या होता है जिसकी हाइएस्ट प्रॉपर्टीज होगी वही बेस मेटल होगा जैसे एलमोनियम एलॉय है तो एलमोनियम एट्टी परसेंट होना चाहिए उसका बेस मेटल सबसे ज़्यादा होना चाहिए हाइस्ट प्रोपोर्सन जो भी गेन किए होगा वही उसका एलॉय कहलाएगा तो बेस मेटल क्या होता है हाइएस्ट प्रोपोर्सन होना चाहिए द मेटल कंसिटुएंट प्रेजेंट इन एन एलॉय विथ हाईस्ट प्रोपोर्सन इज नोन एज अ बेस्ट मेटल जितना ज़्यादा हाइस्ट प्रोपोर्सन होगा वही उसका एलॉय कहलाएगा जैसे एलमोनियम ज़्यादा है तो एलमोनियम एलॉय कहलाएगा फिर नेक्स्ट आते हैं एलॉइंग एलिमेंट अब एलॉइंग एलिमेंट क्या होता है अदर कॉन्स्टिटूएंट मतलब कि अदर कॉन्स्टिटुएंट मतलब बेस मेटल के अलावा जो उसमें मिला रहे हैं वो आपका एलॉइंग हो गया अब वो मेटालिक भी हो सकता है नॉन मेटेलिक भी हो सकता है ये कोई भी कंस्टेंट नहीं है कि आपका मेटेलिक ही होना चाहिए वो आप एज ए इंजीनियर डिजायरनेस के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करते हैं ठीक है अब एलाइंग एलिमेंट क्या हुआ अदर कॉन्स्टिटुएंट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रेजेंट इन द एलॉय आर कॉल्ड एलॉइंग एलिमेंट मतलब कि मेटल के अलावा बेस मेटल के अलावा जो भी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं वो मेटेलिक हो या नॉन मेटेलिक हो किसी भी एलॉय में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बेस मेटल के अलावा उसे आप कहते हैं एलॉइंग एलिमेंट ठीक है एग्जाम्पल में लिया गया है निक ना, निक नाइक्रोम एन एलॉय ऑफ निकिल एंड क्रोमियम नाइक्रोम जो है वो एलॉय है आपका निकिल और क्रोमियम का अब नाइक्रोम जो नाम जो डिपिक्ट कर रहा है या उससे जो आपको पता चल रहा है कि निकिल का और क्रोमियम के मिक्स को निक्रोम बोला गया तो उस चीज़ को जो मिक्स हो रहा है उसमें आपने निकिल का एज अ बेस मेटल है एज अ बेस मेटल क्यों है क्योंकि इसको 80 परसेंट यूज करा जा रहा है तो इसको इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा रखा जाएगा और एलॉय एलिमेंट क्या है आपका क्रोमियम क्यों क्योंकि इसको आप ट्वेंटी परसेंट यूज कर रहे हैं तो क्रोम जो है वो आपका बेस मेटल और एलोइंग एलिमेंट का कंपोजिशन है जिसमें निकिल आपका एट्टी परसेंट है और एलोइंग एलिमेंट आपका ट्वेंटी परसेंट है ठीक है अब इसमें निकिल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू आपका क्रोमियम ठीक है वी कै वी मे कॉल दिस अलॉए एज ए निकिल बेस एलॉय अब इसको क्या कहा जाएगा निकिल बेस एलॉय क्योंकि बेस मटेरियल सबसे ज़्यादा है और ये वाला मटेरियल आपका सबसे कम है तो ये आपका निकिल एलॉय कहलाएगा सेम इसी तरह सॉलिड फेस की अगर बात करें सॉलिड फेस इज मोस्ट एलॉय सिस्टम अकर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म तीन फॉर्म में होता है एक सॉलिड सोलूसन इंटर मेटेलिक कम्पाउंड होता है और इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है तीन फॉर्म में आपका सॉलिड फेसेस होते हैं ठीक है तो ये तीन ये तीन फॉर्म में होते हैं बाकी का हम आगे डिस्कस करेंगे सॉलिड सोलूशन क्या होता है इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं ठीक है तो आज का लेक्चर हम यहीं कवर अप या बाइंड अप करते हैं ओके थैंक्स अलॉट